हाय गाइस, टेक्निकल राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, डीडी फिड्स की तरफ से एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए यहां पर निकल कर आ रही है। दोस्तों, जो एम्बार टीवी आपके लिए लॉन्च हुआ था बीएल से ईऑक्शन में, उसकी जगह पर अभी एक नया चैनल हेड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसके जगह पर कोई समरो नाम का चैनल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एम्बार टीवी जो आपके लिए बीएल से ईऑक्शन में लॉन्च किया गया था, उसका जो लाइसेंस था वो कैंसिल हो चुका है दोस्तों। उसके जगह पर एक नया लाइसेंस एक चैनल ने ले लिया दोस्तों, और वो चैनल अभी आपके लिए डीडी फिड्स पर भी हेड हो चुका है। समरो नाम का चैनल है। और ट्रांसपोर्टर की बात की जाए, ट्रांसपोर्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्टर जो एमआर टीवी का था वही का वही है। बस न्यू आप न्यू मान लीजिए दोस्तों, जो एमआर टीवी है उसका रीनेम यहां पर हो चुका है। और कंटेंट उसका जो रहने वाला था एमआर टीवी का, मतलब वो अलग था, और इसका जो कंटेंट है वो अलग रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं आप टीवी स्क्रीन तरफ। यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी टीवी। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी टीवी की तरफ, और यहां पर आप देख सकते हो यार, एमआर टीवी की जगह पर यहां पर आपके लिए जो नया चैनल अभी हेड हुआ है उसका नाम आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों। इसका नाम मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, समारोह मराठी बना नाम का ये चैनल रहने वाला है दोस्तों। मराठी भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी ये एक न्यूज है दोस्तों। समारोह मराठी बना नाम का ये चैनल रहने वाला है एमआर टीवी की। यदि आप इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करना चाहे तो आप यहां पर कर सकते हो दोस्तों, 111.70 वर्टिकल आपको रखना है दोस्तों। और सैम्पल रेट की बात की जाए तो 29,500 आपको रखना है। वैसे दोस्तों, आपके मतलब ये टीवी स्कैनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका एमआर टीवी नाम का चैनल है उस पर जाकर आप अपने चैनल को लगा दीजिए, तो ये चैनल आपको अपना आप देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी स्कैनिंग करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटो स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ये क्योंकि इसके जगह पर रीनेम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।